अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर 7 है और इस लेक्चर के अंदर हमने ईयर 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी लिया, यानी कि सेक्शन सी। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के पास पेपर के ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और अकम्यूलेटेड फंड जो है वो कैलकुलेट करवा रहा है। इससे पहले जो हमने लेक्चर बनाया था उसके अंदर हमने अकम्यूलेटेड फंड के साथ साथ डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग रहे हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है तो वो आसानी से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में आपको कह रहे थे फॉलोइंग इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ एबी स्पोर्ट्स क्लब कराची फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2013। ठीक है ना, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट जो कि सिमिलर होते हैं किसके, कैश बुक के, या यू कह लेंगे समरी होते हैं कैश बुक के, तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि रिसीप्ट में आपकी कैश का बैलेंस है 90,000। नॉर्मली इसको बैलेंस बी डी, बिगिनिंग बैलेंस बी, या जनवरी फर्स्ट, जो भी स्टार्टिंग ईयर है वो कह सकते हैं, यानी कि यहाँ जून 30 है तो वो आपको July 1, 2012 भी बोल सकता था। सब्सक्रिप्शन फीस आपकी इनकम है अभी तक टोटल 120, रेंट रेवेन्यू आपका 80,000, मैच इनकम आपकी 70,000, ये आपकी रिसीप का पार्ट है। पेमेंट में हम कह रहे हैं कि सैलरीज टू ग्राउंडमैन आपकी 25,000 है, रिपेयर एक्सपेंस 10,000 आया है, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए कंप्यूटर खरीदा, अपने लिए नहीं खरीदा तो ये आपके लिए एक्सपेंस होगा। यूटिलिटीज एक्सपेंस आपके 30,000 के रिकॉर्डेड हैं, प्रिंटिंग ऑफ मेरिट टिकट 8,000, और परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा है तो ये आपका फिक्स एसेट होगा। एडिशनल डेटा के अंदर आपको कह रहा है कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन 15,000 से, यानी कि रिसीवेबल है एंड है लेकिन रिसीव नहीं की। सेकंड में कह रहा है कि यूटिलिटीज 8,000 से आपकी प्री पेड हो गई हैं, बच गई हैं। और फिर आपको थर्ड में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम ऑन ऑल फिक्स एसेट, जो कि इस तरीके की बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि अगर लैंड है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास बिगिनिंग में एसेट था और बाद में परचेज किया तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है, तो दोनों की वैल्यू ऐड करवा कर आप डेप्रिसिएशन करेंगे। अक्सर बच्चे या तो बिगिनिंग के बैलेंस पे कर देते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से, या फिर ड्यूरिंग द ईयर जैसे ऊपर ही अमाउंट लिखी हुई इसके ऊपर कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, आपने ऐड करवा कर ही करना है। तो वो कह रहे हैं कि नॉट ऑन July 1 साल के शुरू में ए बी स्पोर्ट्स क्लब के पास ये अकाउंट बैलेंसेस थे कि आपके पास पहले से फर्नीचर 180 का था, इसका मतलब 150 का यहाँ खरीदा तो इजाफा हो गया। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके पास 330 के थे, ये भी आपका फिक्स एसेट है क्योंकि स्पोर्ट क्लब है तो स्पोर्ट इक्विपमेंट उसके लिए फिक्स एसेट है। लोन आपकी लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000, एरियर से मुराद कि पिछले साल का रिसीवेबल है, ठीक है ना, यानी कि पिछले साल जो आपने एंट्री बनाई होगी इसकी वो बनाई होगी सब्सक्रिप्शन इनकम, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ठीक है ना, एडजस्टमेंट। फिर आपने इसकी रिवर्सिंग एंट्री इस साल बनाई होगी सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट, जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। फिर जब आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका कैश डेबिट हो जाता है, ठीक है ना, और आपका रिसीवेबल कम हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद आपके पास आपको कह रहा है कि आपने अमाउंट ऑफ अकम्यूलेटेड फंड ऑन July 1, 2012 और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल सा पार्ट ये है कि ये सब्सक्रिप्शन और इन एरियर अक्सर बच्चे माइनस नहीं करवा रहे होते, तो इसको भी देखना है कि हमने इसको कहाँ से माइनस करवाना है और कहाँ पर ऐड करवाना है। सो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अकम्यूलेटेड फंड की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास अकम्यूलेटेड फंड के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि बिगिनिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आते हैं, तो बिगिनिंग में आपके पास ओपनिंग कैश था 90,000, सब्सक्रिप्शन इन एरियर पिछले साल का रिसीवेबल था, इस साल के लिए ओपनिंग बनेगा जो कि उसने July 1 को दिया हुआ भी था, फर्नीचर फिक्स एसेट 180 था शुरू में और स्पोर्ट इक्विपमेंट 30 था। तो याद रखने
एक्युमुलेटेड फंड के लिए हमेशा 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 बिगनिंग की वैल्यूज लेनी है। अक्सर बच्चे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में से अमाउंट उठा लेते हैं जिससे क्वेश्चन ख़राब होता है। तो टोटल किया, टोटल एसेट 350 हो गया। लोन आपकी एक ही लाइबिलिटी थी बिगनिंग की 130, माइनस किया तो आपका एक्युमुलेटेड फंड हो गया 2,20,000। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में उसने कहा पहली में कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 15,000 से रिसीवेबल है। इसका मतलब इनकम हो गई लेकिन अब तक उसकी कलेक्शन नहीं हुई। तो फिक्स एंट्री सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, जो कि अगले साल अब ये ओपनिंग बनेगी। फिर उसने कहा कि यूटिलिटीज जो है वो आपकी 8,000 रुपये से प्रीपेड हो गई, बच गई, यानी कि एक्सपेंस आपका कम हो गया और आपकी यूटिलिटीज प्रीपेड प्रीपेड एसेट है बढ़ गया। तो आपकी एक एंट्री बन गई प्रीपेड यूटिलिटीज डेबिट और यूटिलिटीज एक्सपेंस क्रेडिट। फिर उसने कहा कि आपके जितने भी फिक्स एसेट हैं वो सालाना 10% से डेप्रिशिएट होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट दोबारा मेरा समझ लें कि एंट्री तो फिक्स है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट फर्नीचर और अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपने हमेशा टोटल वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। तो आपके पास शुरू में 180 था, बाद में आपने 150 का खरीदा, तो टोटल आपके पास फर्नीचर 330 का हो गया, उसके ऊपर 10% अप्लाई होगा तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 33,000 रुपीज। स्पोर्ट इक्विपमेंट साल के शुरू में 30 था, कोई चेंजिंग नहीं आई तो उसी के ऊपर 10% लगेगा तो ये बनेगा 3,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपेंडिचर इस साइड लिख देते हैं और इनकम्स इस साइड लिख देते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आपका ये पार्ट एक्सेप्टेबल है। बस फर्क क्या होगा कि अगर आपने इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे लिखा है तो सरप्लस इधर आएगा और डेफिसिट यहाँ आएगा, बट इफ अगर आपने ऐसे करके लिखा है तो सरप्लस यहाँ आएगा और डेफिसिट यहाँ आएगा। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो इनकम के अंदर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन थी, टोटल 120 गिवन थी, माइनस 50 क्यों किया, क्योंकि ये पिछले साल की इसमें इंक्लूड की हुई थी तो आपने इसको माइनस करवाना है। और इस साल की सब्सक्रिप्शन आपकी अर्न तो हो चुकी थी लेकिन रिसीव नहीं की थी, उसको आपने ऐड करवाना है। तो आपकी इस साल की टोटल जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो 85,000 है। तो अगर बच्चे ने इसको माइनस नहीं करवाया कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, तो यहाँ पर उसकी सब्सक्रिप्शन गलत आएगी और सवाल हो जाएगा खराब। रेंट रेवेन्यू आपका 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। मैच इनकम 70,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो टोटल आपकी इनकम्स हो गए 235,000 की। एक्सपेंडिचर की बात करें तो सैलरीज टू ग्राउंड में 25,000 एज इट इज, रिपेयर एक्सपेंस 10,000 एज इट इज, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी 60,000 एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं। यूटिलिटीज एक्सपेंस आपने 30,000 रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें से उसने कहा कि 8,000 आपका प्रीपेड बच गया, एक्सपेंस कम हो गया तो आपने माइनस करवा दिया, यानी एक्चुअल हो गया 22,000। फिर आपने मैच टिकट्स की प्रिंटिंग करवाई, एक एक्सपेंस 8,000 का। फिर उसके बाद दो एक्सपेंसेस आए, वो भी डेप्रिसिएशन, एक फर्नीचर का 33,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 3,000। तो जब आपने इसको टोटल किया तो 161,000 आ गया। तो आपकी इनकम ज़्यादा है 235 दोनों साइड आ गया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाता है, सरप्लस। 235 में से 161 आपने माइनस करवाया तो सरप्लस आ गया आपका 74,000 रुपीज का। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल सा सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।